के लिए उसकी
तो मेरे से हो जाती है, तो साइंस साइड से हो, दूसरी चीजें कि वो बायोलॉजी जानता हो, केमिस्ट्री जानता हो, फलां जानता हो, तमाम चीजें हैं। हमने कहा वहां जनाब आपको डॉक्टर बनाना है। कहा मैंने 900 की किताब जो मदरसे में पढ़ाई जाती थी, हमने कहा तो इसे अपने बच्चों को पढ़ेंगे। अब आप बताइए खातिर भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने तो सोचा था कि मौलवी आदमी का मामा रखे इतना बड़ा सा, थोड़ी सी तो अब तो ये डॉक्टर बनाना है, 900 पढ़ाकर मौलवी नहीं बनाना है। आप डॉक्टर की किताब बताइए, फौरन आपको हमारे जहन में शक होने लगेगा, मजाक करते मौलाना हमसे, ये डॉक्टर बनाना है। उन्हें कहा ठीक है, 900 नहीं पढ़ाना चाहते पर पढ़ाई करते। उसकूल की किताब उठाई जो हमारे लाइन में मौलवी लाइन में उसकूल की सबसे सख्त किताब मानी जाती है। जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि रात भर पहले बादाम भिगो, सुबह के टाइम उसे हथेली पे इतना रगड़ो कि बाउलर हो जाए, चाट के तब ये किताब पढ़ने आना। यानी ये इतने सख्त लोग इसे पीछा छुड़ाते हैं, किसी तरह से इसे बचे हैं, कायनात की खुराफात उसके अंदर लगी हुई है। हमने वो संभाल ली। अब तो फौर गए, अभी तक तो शक था ही पक्का है, मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या मतलब तो भैया डॉक्टर बनाना है, तो सिर्फ डॉक्टरी की किताब उठा के थी। हमने कहा अच्छा 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 डॉक्टरी की किताब उठा कर दे। हमने हजरत लुकमान के दौर की किताब हाथ से लग गई थी, पुरानी सी, उठाया हमने कहा ये नहीं पढ़े। तो क्या हो गया आपको, साहिबाने अमल में आपके शुमार होता है, और आपको ये हो गया है कि आप वो हजरत लुकमान के दौर की किताब उसे उठा के दे रहे हैं। भैया आज के दौर की बात नहीं करनी है, इसे बहुत से अमराज थे जो जवान रुकमान के दौर में नहीं जाहिर हुए थे, वो पुरानी किताब लेके कोई तिब का मरतबा तो आप खोल सकते हैं, लेकिन तमाम उमूर में आप सक्सेस नहीं हो सकते। हाँ बुखार बुखार का इलाज कर रहे हैं आप ठीक है, लेकिन आज तो अच्छी और बुरी सारी बीमारियां मौजूद है। अब आप मुझे बीमारियों में भी अच्छी बुरी कर दी है, कुछ शराफत वाली बीमारियां हैं, बदतमीजी वाली भी बीमारियां मौजूद हैं। तो भाई ये सारी चीजें मैं जिस मंजिल में लाना चाहता हूं, फिर अपने मौजू पे आ जाऊंगा, क्योंकि कुरान हमारे घरों में है। आप इसे मामूली किताब ना समझे, इसे आम किताबों में ना तोलिए, जो अलमारी में हमारे सजाई रखी हुई है। हमने कहा कि भैया वो किताब का ये नहीं। अच्छा ठीक है, ये हमसे नाराज होकर चले गए। थोड़ी देर में भाई साहब आए, तो कौन सा मैं अपने बच्चे को वकील बनाना चाहता हूं, फिर वही किताब मैंने उसके सामने रखी। क्या कर रहे हैं आप,
इसके बाद बाप का नाम नहीं, उसका बाहर बुजुर्ग तय करते हुए नहीं पहुंचा था और मस्जिद में ठीक इसी तरह से इसने पढ़ा लिखा जाप करना चाहा। सारे पालन सुनिए यहां बाप जैसे ही बाप के नाम को आपने छोड़ना शुरू किया तो रविंद्र महाराज ने वहां पहला कर दिया यहां नाम लिखी गिरा लगी माशरे में अगर किसी ने पूछ लिया बाप सजुआ के साथ ने कह दिया बाप का पता नहीं बहुत बड़े इंजीनियर बने डीएम साहब बन गया करोड़पति खरबपति बन गया पर बाप का नाम नहीं है। आप पूछिए कि आपको बुखार की खटिया कैसे होती है इज्जत आबरू की खटिया कैसे उड़ती है पता ही चला सुबह हुई उन्होंने देखा कि लाश अपने
बेहतरीन आदमी की लाश किसने पत्र कैसे पता लगाया? बहुत तलाश किया, कातिल का पता नहीं मिला। थका ये लोग नबी अल्लाह करीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह के नबी मकतूल हाजिर है, कातिल का पता लगा। जनाब मूसा ने कहा अच्छा कातिल चाहिए, टूर पे जाता हूं अल्लाह से बातें करता हूं, पूछता हूं कौन है कातिल। मुश्किल मरहला है, कातिल का पता चाहते हैं। सूरह बकरा में बकरा इसलिए ना किसी वाक्य के लिए बकरा नाज़िल हुआ, ये लोग कातिल का पता चाहते हैं। आवाज रबाई है मूसा इनसे जाके कह दो कि गाय उसे ज़िबा करें, उसका उसके गोश्त को मक्तूल के जिस्म पे मारें। ये खुद उठ के अपने कातिल का नाम बताया। आज नाम मूसा, अल्लाह कहता है कि गाय उसे ज़िबा करो, उसकी गोश्त को मक्तूल के जिस्म पे मारो, ये अपना कातिल का नाम बताया। होना तो ये चाहिए बनी इसराइल और बड़ी तरबियत वाली कौम मानी गई बताया, तो क्या सुना लेते कि ये गाय करते हैं सुना करते हैं। पहला कि नबी बताए गाय कैसी होनी चाहिए, तो यही कहते फंस गए। अल्लाह ने भी गाय कैसी होनी चाहिए, अच्छा गाय कैसी होनी चाहिए तो नहीं पूछा नहीं अल्लाह से, तो ये भी पूछ लेते हैं। हमारे मरहूम उस्ताद अहमदुल्ला तकुल हैदर साहब तकला कहते थे कि जनाब मूसा अल्लाह के मुंह लगे नहीं थे, इसी में उनको करीमुल्लाह कहा जाता है। बात बात करें कि सारी चीजें मालूम होती कैसे पूछ के बताता हूँ, कब पूछ के बताता हूँ गाय कैसी होनी चाहिए, गाय गाय ऐसी ऐसी होनी चाहिए, आए पूछ के गाय ऐसी ऐसी होनी चाहिए। अब जब गाय का रंग बता दिया तो किस खानदान किस नस्ल की होनी चाहिए, फिर जनाब मूसा गाय पूछ के आए। यह सिलसिला पूरा पुराने मजीद मौजूद है आपके सामने, में एक बात है निचोड़ बयान कर रहा, जबकि इसलिए सूरह बकरा ढाई पारे में सबसे बड़ा सूरह माना जाता है, और ये बकरा यानी गाय को कहते हैं अरबी में, बकरा गाय को कहते हैं, ये उसी सूरह पूरा नाजिल हुआ है। जनाब मूसा बताते थे कौम कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इतने सवाल किए कि अल्लाह ने रंग बिरंगे यहां तक ही कह दिया कि इस रंग के अलावा कोई और रंग भी नहीं होना चाहिए, वाहिद गाय है और फला मुकाम पे मिलेगी तुम्हें। और ढूंढते ढांढते ये लोग पहुंचे, पता चला खादी भाई के पास हो गए मौजूद थी। आए कोई कौम आई कि भैया आपके पास लौटी गाय है, जहां ढूंढा ला कहीं नहीं मिली, आपके पास है बेच दीजिए मुझे। अभी उन्होंने देखा अच्छा भैया मुझे तो नहीं बेचना है, मुझे जरूरत ही नहीं गाय बेचने, कहीं मुझे तो खरीदना था, बहुत जरूरत आन पड़ी है, मुश्किल आन पड़ी है, आप किसी तरह से बेच दीजिए। उन्होंने कहा मुझे नहीं जरूरत, हाँ तुम्हें अगर जरूरत है तो ठीक है लाइए 5,000 रुपए दीजिए। हमारे सामने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं, 1,000 रुपए इसकी कीमत है, इससे ज्यादा की 2,000 आप ले लीजिए। तब ये जाइए खुदा की मुझे नहीं बेचनी, होता है ना यही होता है, जो चीज हमारी है और मुझे जरूरत ही नहीं बेचने की और आप जबरदस्ती से लेना चाहते तो आप मेरे एतबार से उसे खरीदेंगे, मार्केट में वो 5 रुपए मिलती मैं 50 रुपए दूंगा, लेना तो लीजिए वरना जाइए। वही हाल हुआ, कभी 1,000 रुपए बिकती आप 2 ले लीजिए, कहना ये 5 से 1 रुपया कम नहीं, फौरन नकद यहां 5 रखिए ले जाइए इसे। उन्होंने कहा नहीं भाई बात मामला इतना नहीं, मेरे पास रुपया तो है ही नहीं, तो लेना 2,000 वरना खुदा भी। उन्होंने सोचा कि अगर थोड़ा सा होता भी है ये मार्केट में कि आप अकड़ दिखाइए कि नहीं खरीदना है मुझे भाई, तब दुकानदार 2-2 रुपए का चला लाइए 3 दे दीजिए जाइए, जरूरत ही नहीं चले गए लोग वापस। जनाब मूसा के पास आए कहा कि ये मामला है, अरे भैया गाय तो वही चाहिए, अब ये लोग आए इकट्ठा किया 5,000 रुपया और कहा ये 5,000 रुपए लीजिए लाइए गाय दीजिए, ये कल का रेट था, आज का रेट नहीं है, कभी कितना का 20,000 चाहिए हमको, क्या गजब कर रहे हैं आप भाई, 1,000 रुपये वाली चीज हम 5,000 में लेने के लिए तैयार हैं, आप इसे 20 में बेच रहे हैं। तो भैया लेना माल मेरा है, मैं बेचूंगा 20 में, जरूरत आपकी हो तो लीजिए और बचाइए खुदा हाफिज। फिर ये लोग तड़के भड़के निकल गए, ये भाजी बात की 1,000 रुपये की चीज 20,000 रुपये बेच रहा है, इतना मुनाफा उसे नहीं लेंगे, जाइए हटाइए। फिर गए जनाब मूसा के पास, कुछ कीजिए अल्लाह के नबी, अरे भैया गाय तो वही चाहिए,
जहाँ वो कल चुप दे दीजिए, ये लीजिए 20,000 रुपया। नहीं साहब 20,000 मैंने नहीं भेजा। फिर मुझे आज 50,000 रुपये सिटी में चाहिए। अब आप बताइए जो 20,000 रुपये में बिकने वाली थी वो 5,000 की कीमत पे देने के लिए तैयार था, आप 5,000 रुपये नहीं माने, 20 पे आया, 20 पे नहीं माना, आज 50 मांग रहा है। तो भैया इतना तो है ही नहीं हमारे पास, कहां से लाऊं, बजाइए फिर मुझे नहीं बेचना। चले लाश रखी है वैसे, तब तक नहीं दफन होगी जब तक कातिल का पता ना चले। अब दो चार गांव वालों ने भी कहना शुरू किया, भैया इसको दफन कीजिए जल्दी से, मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर अच्छा इन लोगों ने किसी तरह से 50,000 रुपये इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जनाब ये गाय मुझे दीजिए अपना 50,000 रुपये लिए, सब पहुंच लीजिए खूंटे में खोलने के लिए। हाथ ना लगाइएगा उसकी भी कीमत लग जाएगी। 50,000 रुपये दिया, खोलना चाहते करना है, इतना नहीं और चाहिए। अब इतना कहा 70,000 चाहिए, 70,000 के मामला पूछा है। अब यहां पर मुख्तलिफ रिवायत और मानी की का 70 बाज ने कहा, बाज ने कहा कि इतना उन्हें देना पड़ा था कि इतना मुझे चाहिए कि अगर इसकी खाल निकाल ली जाए उसमें इतना सोना डालो कि खाल बढ़ जाए, तब ये गाय को देने का। कहां से मामला चला था, 5,000 से चला 70,000 तक पहुंचा। कहा इतना दीजिए तो गाय मिलेगी, कहा अच्छा ठीक है आप लीजिए 50,000 रुपये भी लीजिए, 20,000 लेके आ रहा हूं। 70,000 लेके भैया आए ये गाय ली चले गए। जो 5 में बिकनी थी जिसकी कीमत 1,000 रुपये की, अपनी गरज की बिना पर वो 70,000 में बिकी। गाय ले गए काटा उसे, मकबूल की लाश को मारा उसे, पलट कर कातिल का जवाब पता बताया, मामला खत्म। अब मसला ये होता है कि भाई जो चीज 1,000 में बिकने वाली थी आखिर ये 70,000 में बिक क्यों रही है और मशीयत ने उसे क्यों चुना? क्या इतनी सारी गाय थी, मशीयत ने उसी एक गाय को चुना, आखिर वजह क्या है? ए अल्लाह के नबी बताइए आखिर वही एक गाय इतनी निराली क्यों बन गई कि मशीयत के वही चाहिए, कुदरत चाहेगी कहते मूसा मारो ठोकर, भाई नबियों के साथ तो यही है, अल्लाह के इज्जत से खड़ा हो जा बता तेरा कातिल कौन है, लेकिन नहीं आज नबी ठोकर भी नहीं मारता। क्या बात है, खुदा हुक्म भी नहीं देता कि ठोकर मारो, का गाय चाहिए। क्या बात, मसला इसका मतलब ये कोई राज है। आए फिर सब लोग कातिल का पता चल गया तो भैया ये सारी अकड़ क्यों थी, ये अकेली गाय हाथी के पास क्यों, कौन ऐसा नेक काम करते कि अल्लाह तुमको इतना फायदा कर रहा पूछा है। तो ऐसा नहीं करता था, कोई वाकई थी बताओ जिंदगी में कोई खास। हाँ एक नुकसान हुआ था जिसके बारे में मैं सोचता था कि काश हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक मजबूरी की बिना पर मैंने उसको तर्क कर दिया, उस नुकसान को उठाना पसंद किया। क्या कौन सा नुकसान, कई बार ऐसा हुआ कि एक ताजिर आया उसके पास एक बड़ा कीमती माल था जिसकी कीमत मार्केट में 70,000 थी, लेकिन वो बेच रहा था मुझे 20,000 में, बेच रहा था मुझे 20,000 में अपनी मजबूरी के बिना पर, लेकिन शर्त उसकी ये थी कि पैसा अभी चाहिए। मामला सारा तय हो गया, हमने कहा भैया ठीक है आपको 20,000 रुपये दे दे रहा हूं, सामान आप हमें दे दीजिए, बस थोड़ा सा वक्त इंतजार कर लीजिए, आपको पैसा मैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में दे दूंगा। कहने साहब सामान मेरा हाजिर है, पैसा हाजिर कीजिए, पैसा मुझे दीजिए, अपना सामान लीजिए, मैं खुद आप ले जाऊं। कहीं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब मैं वेट नहीं कर सकता, मैं आपका इंतजार नहीं कर सकता, काफी खरीदा क्यों नहीं तुमने जब पैसा तुम्हारे पास मौजूद था, जब पैसा मेरे पास था चाहता तो खरीद भी लेता, लेकिन एक मजबूरी मेरे साथ थी। का क्या मजबूरी थी, का जिस संदूक में वो पैसे रखे हुए थे उसकी चाबी मेरे बाबा के तकिए के नीचे थी, मेरा बाबा आराम कर रहा था। मेरा बाबा आराम कर रहा था। जगा देते उस 50,000 की कीमत से कहीं
वरना एक इंसान के लिए मशीहत इस तरह से कारनामा दिखाए। ये बाप की अजमत है, ये बाप की पहचान है, ये बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा वजूद है। बाप ने सिर्फ अपना नाम दे दिया, यही बहुत बड़ी नेमत है, यही बहुत बड़ी। कभी जहन में ना आने पाए कि बाप ने हमको क्या दिया। डॉक्टर साहब आप मौजूद नहीं थे जब प्रोग्राम में कहा था, बाप का नाम दे देना ही बहुत बड़ी बात है, बाप का नाम दे देना ही बहुत बड़ी बात है। क्या हर लड़के आप दुनिया के तमाम मंजिलों को तय कर लीजिए, यकीन मानिए आप देखिए माशरे को ढूंढ कर देखिए, प्रवाद कर देखिए, बहुत बड़ा अहदेदार हो जाए, बहुत बड़ा मनसब उसके पास आ जाए, बस नाम बात करना। क्या बात है, सब बात को दिल जाता है, क्या कुछ बाकी नहीं रहता। अच्छा कभी बात को देने के बाद, बात खिदमत करने के बाद करना नहीं पाए कि मैंने बहुत ही दिया, क्या बहुत ही कुछ नहीं दिया, हकीकत में उसकी एक हंसी का बदला भी आप नहीं दे सकते हैं, उसके एक मुस्कुराहट का बदला भी, जब आपके गिरते और उठते कदमों को उसने देख कर मुस्कुराया था, उसका बदला आप नहीं दे सकते। और हमारे यहाँ की तहसील भी आगे मोहम्मद पर भी है, तो आगे देखें कि बाप को बाप से लेने और देने का अंदाज अलग है। आप जैसे लोगों को बता दिए माशरे का माहौल है कि आप किसी को बदलेंगे, उन्हें डॉक्टर साहब के अंदाज अगर दीजिए तो जब सुविधा लेंगे यूं भी देंगे, है ना, क्यों देंगे, क्यों, इसलिए कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। अगर बाप ने 1,000 रुपया मांग लिया तो आप यू भर दीजिएगा और उसे कैसे दे दिया। मैं 24 मिसाल दे रहा हूं, कोई काम हो जाए आपका तो पता है कि जीएम साहब के पास 1,000 रुपया लेके जाइएगा, काम आप कर जाएगा, बड़ा पोस्ट है, पैसेदार पोस्ट है, आपने 1,000 रुपये में मिली तैयारी होगी, जीएम साहब के पास गए और पैसा देने का अंदाज क्या व्यक्ति जानते हैं कि उम्मीद गलत रहा है, ये भी जानते हैं लेकिन जिस मनसब पे है उस मनसब का ख्याल रखते हुए से आप जुड़े हुई, क्यों, इसलिए कि अगर उसने ले लिया तो आपका काम बन गया, सुने अगर ले लिया तो आपका काम बन गया। शरीयत ने कहा जब बाप को देना ऐसे ना देना, क्यों, ऐसे दोगे तो एहसान माना जाएगा, बाप को दो तो इस अंदाज में दो कैसा लग जाए कि अगर ये ले ले तो तुम्हारे लिए शर्फ है, अगर ये ले ले तो इस अंदाज में अपने आप को सरखम तस्लीम करके बाप की खिदमत में पेश करो कि ये आपके सामने मौजूद है, इसमें से अगर आप ले लेते तो ये मेरे लिए शर्फ है। क्या बात है, बाप को देने का अंदाज है, ये बात के इज्जत और एहतराम के विपरीत तरीका है। आप बाप के साथ किस अंदाज में पेश आए, लेकिन नमाज का वक्त नहीं पा रहा है, खाते बहुत सारी विवाद है जैसे सिले में, लेकिन बस इतना जाने ये कायनात की जीवन की बड़ी नियमत है, इसका सवाल हर माल में किया जाएगा, सिर्फ बच नहीं सकता है, इतना बाराटक वजूद है, इसके नुकसान से भी ना फरमाने और ना फरमाने वाले के बहुत बड़े नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है कि सबसे पहले इंसान की चंद्र मुखता हो जाती है, दुआएं बाबे जाने से अलग कर दी जाती है, और ये इतनी बड़ी नियमत है कि अगर इंसान को इकार करने लगे अपने माँ बाप का, बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को चश्मे गदन में हर बच्चे से देखा गया है, अगर माँ बाप के गुणहार बारगाहे बरबरदार में कुछ जाए तो बच्चे के लिए मुस्तक रवायत मौजूद है कि माँ और बाप के दिल से झुकी हुई हर दुआ और दुआ कबूल होती है, रंग की जाने की, इसलिए इनकी इकरार के साथ इनकी नाफरमानी से भी बचा जाए तो छोटा सा वाक्य उसके बाद अच्छे से है, ये तो फसीलत थी कि पहचाने मिलता है इतार के बाद क्या सजा मिलता है, नाफरमानी के बाद सजा ही कितनी साफ है, खुद कैलेंडर के दौर में
जमीन बाहर के क्यों नहीं जाना चाहिए, जमीन के बाहर गया और जमीन के बाहर के भी गया। उसने पूछा है इसकी माँ बाप से गुजरा के बोला बुलाया गया क्या अपने बच्चे से नाराज है, ऐसे माफ कर दीजिए और मैं जरूर जरूर नहीं कर रही। और फिर दुआएं मशहूर सुनी, दुआएं मशहूर हमें वो मिली होती दाना मिलता है कि इमाम हुसैन के साथ मौलाना मदनी खान का वक्त है और मकाम इब्राहिम के पास थे कि मरतबा किसी की रोजों तोड़ने की आवाज कर दी। ऐसा दुनिया कर रहा था, ऐसा बोल रहा था जैसे किसी का जवान बेटा मर गया तो बड़ा डर के लिए रहा है। मान हुसैन से मरा ने पूछा बेटा आवाज सुन रहा बाबा तो जाओ उसके लिए पास कर दिया डर मरा नहीं है या फिर दुनिया में सारी दुनिया में पाकिस्तान में जैसे रहा मौला क्या है मोहम्मद ने पूछा कि क्या मिल रहा है इस कारण पर इस कारण मिल रहा क्या वजह है हो जाएगी। अमीर मोदी ने उसको दुआ करी उनकी दुआ कर
उसको किस वजह से वो साबित हुआ इतनी सुबह का ख्याल रखे जहाँ में अगर वो सवाब है वहाँ नाफरमानी का असर इतना बड़ा होता है कि उसे दुनिया में सजा नहीं देगी। इसलिए माँ बाप की नाफरमानी से इतना हो जाए माँ बाप की अदात की जाए जैसे भी हो जिससे भी हो उनका एहतराम करे और मरने के बाद भी उनके लोगों के सारे सवाब का सिलसिला जारी रखे। इसलिए कि रवायात में उस तरह की मौजूद है कि मरने के बाद भी अगर माँ बाप को बच्चे भूल जाते हैं तो मरने के बाद खुदा आप कर देता है। इसलिए बच्चे जिंदा है अपने वालदैन के लिए इताअत करके रहें, अगर नहीं है तो मेरे सारे सवाब ठीक करते रहें क्योंकि पाप का विश्वास इतना अजीब है मोहम्मद भी बाप का एहतराम कर दिए कोई किसी से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितना माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत है। जब करबला में जहाँ से जुटाया मुझे नीचे चल रहा है बात से मतलब रखी है तो बाप अपने बच्चों से मतलब करता है करबला की वो तमाम वाकयात मौजूद है जिससे हमारे हुसैन आया है वो सच्चा चाहता है और उसे वो सच्चा उठना चाहते हैं क्योंकि माँ जरा ये सलवा दिखा दिए मुझे सहारा दीजिए बाबा आप क्यों जा रहे हैं बिलाल अब मेरी बारी है बाबा पास बाबा मेरा लिए घर कहाँ है बाबा मेरा कासिम कहाँ है आप क्यों जा रहे हैं जुमला हुसैन रेत
मैं रामपुर वाले मुख्य वास्तव में